हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये वुलन सॉक्स है। ये बच्चों का, ये लेडीज़ का एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। इसे आप बना सकते हैं, बहुत इजी डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन बच्चों के लिए भी बन जाएगी और ये एक फ्री साइज़ की डिज़ाइन है। तो ये आज हम इसे बनाते हैं, कैसे बनता है। तो इसके लिए मैंने फट्टी फंदे डाले हुए हैं। फंदे आप बढ़ा सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ों के लिए बनाना हो तो 48 फंदे कर लें। तो ये मैंने एक 13-14 साल के बच्चे का बनाया है, तो इसके लिए मैंने 40 फंदे बनाए हैं। 40 फंदे सिलाई पे डाले हैं और एक सीधा एक उल्टा बुन लेंगे। और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना के 16 सिलाइयां बना लेंगे। तो ये टखने से थोड़ा ऊपर तक आ जाएगा। इसकी डिज़ाइन इस तरह से है कि टखने से ऊपर तक आएगा। तो एक सीधा और एक उल्टे का पहले बॉर्डर बना लेंगे। थोड़ा पहली सिलाई में फंदे बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है। नेक्स्ट सिलाई में फंदे ढीले हो जाएंगे। तो इस तरह से हम पहले बॉर्डर तैयार करेंगे। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अभी ये फर्स्ट रो ही है और इसे हम 16 सिलाइयाँ बना लेंगे। 16 सिलाइयाँ बनाने के बाद ये देखिए, मैंने 16 सिलाई बना लिया है और उसके बाद मैंने 4 सिलाई सीधी और उल्टी की भी बनाई है। अब ये 4 सिलाई सीधी की और उल्टे की बनाने के बाद अब हम इसमें सेंटर में एक डिज़ाइन डालेंगे और डिज़ाइन डालते हुए फंदों को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए सेंटर में जो डिज़ाइन है वो 6 फंदे की है, तो 3-3 फंदे, ये 40 फंदे हैं, तो हम 17 फंदे के बनाएंगे। तो 17 फंदा बुनने के बाद एक जाली बनाएंगे।
तो हम इधर के फंदे गिन लेते हैं, 17 फंदे इधर और 17 फंदे लेफ्ट साइड में, 17 फंदे राइट साइड में, बीच के सेंटर के 6 फंदे और एक जाली बनाएंगे और 4 फंदे सीधे सीधे, 6 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। एक जाली बनाएंगे और 6 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, फिर 17 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी और फंदे बढ़ने लगेंगे। तो ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बुन लेनी है। नीचे हमने 16 सिलाइयाँ बुनी हैं बॉर्डर की और 6 सिलाई, 4 सिलाई सीधी उल्टी। तो इस तरह से 20 सिलाई बुनने के बाद फिर हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बन जाएगी। तो ये हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब सीधी साइड पे आ गए हैं। अब हमें एक जाली फिर से बनानी है 6 फंदे से पहले। तो अब हम इस सिलाई में 17 फंदे के बजाय 18 फंदे बनेंगे। अब ये हमारे एक फंदा बढ़ गया, तो एक 18 फंदे बुने, जाली बनाई, फिर 6 फंदे बीच के बुन लेंगे सीधे सीधे, 6 फंदे सीधे, और फिर एक फंदा आगे करके जाली बनाएंगे, फिर 18 फंदे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी फिर से उल्टी बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने दो जाली बना ली। अब तीसरी जाली हम बनाएंगे। ये देखिए 6 फंदे बीच में और दो जाली बन गई। अब फिर से हम जाली बनाएंगे 20 फंदे बुनने के बाद।
अब ये देखिए, 6 फंदे के साइड में जाली बनाएंगे 20 फंदे बुनने के बाद, तो फंदा आगे कर लेंगे और 6 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। फंदा आगे करेंगे फिर 6 फंदे बुनने के बाद फंदा आगे करेंगे और 20 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। फिर पूरी सिलाई हम में हम 20 फंदे उल्टे बुनेंगे और जाली वाला उल्टा बुन लेंगे। 21 फंदे हम टोटल उल्टा बुनेंगे। अभी हमारे 21 फंदे बुन गए। अब यहाँ से हमें 2 बार लपेट के 6 फंदों को 2 बार लपेटना है। दो बार लपेट के बुनेंगे, फिर बाकी 20 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे फंदे इस तरह से बढ़ते हुए 6 फंदे बढ़ चुके हैं। अब इस सिलाई में हमारा एक फंदा फिर से बढ़ेगा। अब 21 फंदे हम बुनेंगे और एक जाली बनाएंगे। अभी हम सारे 6 फंदे जाली बनाते हुए 6 फंदे को खोल लेंगे, सिलाई पे खोल के चढ़ा लेंगे और इन फंदों को लेफ्ट सिलाई पे सारे फंदों को करके लास्ट के 3 फंदों को ऊपर से ओवरलैप करते हुए सिलाई से उतारेंगे और 3 फंदे आगे के साइड में कर लेंगे। पीछे के 3 फंदों को आगे की तरफ सिलाई पे चढ़ा लेंगे और पहले इन 3 फंदों को बुनेंगे, बुन के उतारते जाएंगे। फिर बाद के 3 फंदों को उतारेंगे। तो इस तरह से ये क्रासनुमा हमारी डिज़ाइन बन रही है। फिर एक जाली बनाएंगे और 21 फंदे बुन लेंगे। तो ये इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन ये इस तरह से बन के तैयार होगी। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन के तैयार होगी, जो सेंटर में चलती रहेगी। साइड में 2 जालियाँ बनेंगी और जाली से ये फंदे बुनेंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। फिर 4 सिलाई बुनने के बाद फिर ये डिज़ाइन बनाएंगे।
इसे इस डिज़ाइन को फिर अप्लाई करेंगे। ये 6 फंदे में डिज़ाइन बन जाती है, तो इसको इसी तरह से बनाते चले जाना है। और ये देखिए, इसको मैंने ना इस तरह से बुनते हुए 9 जालियां बना रखी है। ये 3 डिज़ाइन मैंने बनाई है। तो ये इस तरह से टोटल 9 जालियां बनाते हुए 9 फंदे हमने दोनों तरफ बढ़ाए और ये डिज़ाइन बना ली। अब इसके बाद 9 जाली बनाने के बाद आगे मैं हर सिलाई पे 2 फंदे बढ़ाऊंगी, ताकि आगे का हिस्सा थोड़ा सा नुकीला सा तैयार हो। तो इसके लिए देखिए, ये सीधे सीधे फंदे बुनने के बाद जाली तक हम आ जाएंगे और लास्ट में ये देखिए, ये जाली बनाने का फंदा है। तो इसके पहले हम एक फंदा सिलाई पे इस तरह से चढ़ा लेंगे, फिर एक सीधा बुन लेंगे और यहाँ पर फंदा जाली से आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से एक फंदा हमारा जाली से बढ़ेगा और एक फंदा हमारा लूप से बढ़ेगा और बीच के 6 फंदे हम बुन लेंगे। फिर ये देखिए, यहाँ पे हमें जाली बनानी है, फंदा आगे करेंगे और ये फंदा आगे करके जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे और उसके बाद एक फंदा हम इस तरह से चढ़ा के एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो इस सिलाई में हमने 2 फंदे दोनों तरफ बनाए, तो 4 फंदे हमने बढ़ा लिए। तो इस तरह से हम अब आगे हम इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे। इसी को हम 5 बार रिपीट करेंगे सीधी साइड में, 4 बार रिपीट करेंगे और इसको लेके 5 बार हो जाएगा। तो 10 फंदे हमारे इस तरह से बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये थोड़ा सा आगे यहाँ से ये नोकदार तैयार हुआ है। हम यहाँ इतनी दूर हमने 2-2 फंदे बढ़ाए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 2-2 फंदे बढ़ाए हैं। सिलाई से 2-2 फंदे बढ़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा इसका शेप नुकीला सा आया है आगे की तरफ, लंबा सा। तो यहाँ पे हम इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए 5 जाली बनाएंगे टोटल, और 5 जालियों में 2-2 फंदे बढ़ेंगे, 4 हर सिलाई पे 4 फंदे, तो 20 फंदे बढ़ जाएंगे टोटल 5 जाली में। अब ये मैंने, ये देखिए, ये मैंने पूरा पूरा इतना फंदा बना लिया है, बढ़ा लिया है बुन के, 20 फंदे 5 जालियों के और 9 फंदे 18 फंदे पहले मैंने जो एक एक फंदे बढ़ाए। तो इस तरह से ये फंदे हमारे बढ़ गए हैं। और अब हमें यहाँ पे टिप पे मैं 5 फंदे और बढ़ाऊंगी उसके लिए, और फिर सीधा सीधा बुनना है। तो सबसे पहले हम पूरे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे।
तो यहाँ पे ये बाकी फंदे हम सीधे सीधे बुनते हुए जो हमारे 6 फंदे हैं वहाँ तक आ जाएंगे। अब हमें जाली नहीं बनानी है। अब ये देखिए हमने यहाँ तक आ गए बुनते हुए और 6 फंदे के हर 6 फंदे के बीच में हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। अब ये बीच के 6 फंदे हैं, इनको इनके इन पे हम आ गए हैं। ये बीच के 6 फंदे, इसमें हम 5 फंदे बना लेंगे ताकि यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई का शेप आ जाए। फिर एक फंदा बना, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर एक फंदा बना, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर एक फंदा बना, फिर एक फंदा बढ़ाया। तो इस तरह से ये इसका शेप थोड़ा सा राउंड में आ जाएगा आगे की तरफ। ये 5 फंदे हमने 6 फंदे के बीच में 5 फंदे बढ़ा लिए हैं और बाकी सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। और ये पूरा सीधा सीधा बुनते हुए 5 फंदे और भी बढ़ा लिए। अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं और अब हमें हर सिलाई में सीधा सीधा बुनना है। अब हमें एड़ी का शेप देने के लिए साइड में 1 फंदे उतारने हैं और हर सिलाई में साइड में एक एक फंदा उतार देंगे। सीधी तरफ भी सीधा बुनते टाइम 1 फंदा उतार देंगे, उल्टी साइड में भी उल्टा फंदा बुनते हुए 1 फंदा उतार देंगे। अभी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी साइड में आ गए। अब फिर से हम 1 फंदा पहले एड़ी को शेप देने के लिए 1 फंदा उतारेंगे। फिर पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन लेंगे। अभी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। और फिर से हम 1 फंदा उतार देंगे साइड में। फिर आगे के सारी पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बुन लेंगे। इसी तरह से हर सिलाई पे को अप्लाई करेंगे और 12 सिलाइयाँ इसी तरह बुन लेंगे।
तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से घटाना, घटाते हुए इसको एड़ी के शेप को बना देना है। इस तरह से घटाएंगे तो एड़ी में गुलाई का शेप आ जाएगा और इसे पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हर सिलाई में सीधी, हर सिलाई में हम पहले एक फंदा घटाते हुए हमने 12 सिलाइयाँ बुन ली है। इस तरह से हमारे 12 फंदे घट चुके हैं। अब हमें 13वीं सिलाई पे हैं। अब हमने आधे आधे फंदे कर लेने हैं। टोटल फंदों का हमें आधे आधे फंदे कर लेने हैं। तो ये एक तरफ 38 फंदे आए हैं, 38 फंदे, और एक तरफ 38 फंदा है। तो अब हमें इन फंदों को इस तरह से उल्टी साइड में उल्टा करते हुए और दोनों सिलाइयों को आधा आधा करके उतार लेना है। 38 फंदे हैं दोनों तरफ, एक फंदा एक्स्ट्रा है फंदा उतारने के लिए। अब सिलाई से हम सारे फंदों को स्टिच कर लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है। अब इस तरह से सारे फंदे को हम स्टिच कर लेंगे। दोनों सिलाइयों से एक फंदे लेके बुनेंगे और बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार देंगे। और ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे एड़ी का शेप बनाने के लिए ये गुलाई आ गई है। तो इस तरह से ये हम सारे फंदे हमने स्टिच करके कंप्लीट कर लिए।
इसे कट कर देंगे और ये देखिए इसको इस तरह से कट कर देंगे और फंदे में इस तरह से धागे फंसा के देंगे। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे नीडल से। अब हम इसे गुलाई का शेप देते हुए एड़ी का स्टिच कर लेते हैं नीडल से और सॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है, ये बीच में ये इसकी डिज़ाइन इस तरह से आएगी सेंटर में, ये डिज़ाइन इस तरह से सेंटर में आएगी। अब हम उसे उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके इसे सिलाई कर लेते हैं और इसे गुलाई में शेप देते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सॉक्स बन के तैयार हो गया। दोनों तरफ के एक ही फंदों को फंसा के इसे सिलेंगे। ऊपर तक हम इसी तरह सिलते हुए चले आएंगे। तो ये हमारे इधर के भी, ये देखिए ये जो ऊन इसका लटक रहा है, ये फंदे जो हमने डाले हैं इसको भी कट करेंगे और इधर से सुई फंदे को डाल के धागे को हम इस तरह से पूरा सिल लेंगे और अंदर धागे को फंसा देंगे। और इस तरह से ये हमारा सॉक्स बन के तैयार हो गया है। ये देखिए ये इस तरह से है। इस डिज़ाइन को लेडीज़ डिज़ाइन में भी डाल सकते हैं। ये मैंने 12-13 साल के बच्चे के लिए बनाया है। फंदे आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए ये दोनों इस तरह से दोनों इसका पेयर तैयार हो गया है। आसान सी डिज़ाइन है, बहुत आसानी से बनने वाले, इसे आप बनाएं ज़रूर, ट्राई करें। तो फ्रेंड्स अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नए डिज़ाइन के साथ हाजिर होंगी, कुछ नया लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। इस बार मैंने ये वुलन सॉक्स बनाया है। होममेड सॉक्स बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। तो ये देखिए फाइनली ये इस तरह से बनके तैयार हुआ है। इसे पहनने के बाद ये इस तरह से दिखता है। फ्रेंड्स अब इजाज़त है आप लोगों का, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत मेरे चैनल पे विज़िट करने के लिए।